ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं अगली खबर की। लगातार छुट्टियां कटने के मामलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। रोजाना एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग अब चोटी काटने वालों को भूत और चुड़ैल का नाम दे रहे हैं। इस भूत और चुड़ैल से बचने के लिए लोगों ने अब अपने घर के बाहर नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और नीम के पेड़ की डाली लगा ली है। वहीं घरों के बाहर मेहंदी, हल्दी और काली स्याही के छापे भी लगाने शुरू कर दिए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसके पीछे उनका मानना होता है कि ऐसा करने से उनके ऊपर शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती। लेकिन अब महिलाओं के लगातार बाल कटने की घटना से महिलाएं ही नहीं, उनका पूरा परिवार दहशत में है, जिससे बचने के लिए अब वह घर के बाहर नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज आदि टांगने लगे हैं। ऐसा करने वाले लोगों की माने तो लगातार महिलाओं और बच्चियों के चोटियां कट रही हैं, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। यह नजारा आजकल फरीदाबाद के घरों के बाहर देखा जा सकता है। ये बहुत डर लग रहा, बच्चे भी रात में ना सो पावे। अच्छा। और नींबू टाक रखो और या वजह से आवे ना, और फिर भी पूरी रात बच्चे चिपटे हैं। हमने भूत डर लग रहा, पिछली गली में हादसा हो गया। तो अभी तक कुछ पता लगा कि क्या चीज है क्या नहीं है? भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, भूत नहीं है। अभी जाना ऊपर वालों जिन्हें कहा है क्या ना, ऐसा भूतनी भग जाएगी। भूतनी भग जाएगी? हाँ। तो पता है आपको वो भूतनी है? अभी तो पता नहीं भागी, भूतनी है को इंसान है क्या है क्या ना है। दहशत तो पूरी बैठ रही है ना, दहशत तो बच्चे के भी है, बूढ़े के भी। तो यहाँ पर भी किसी का हादसा हुआ है? हाँ, परली गली में हादसा हुआ है।